चित्तौड़गढ़ के जिला अध्यक्ष रमेश सुखंडा जी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश को विश्व गुरु की ओर लेकर जा रहे हैं, उसी तरीके से लहर नहीं ललकार है। मंच के दाईं ओर दोनों प्रमुखों ने खोल करके लोगों को आगे भेजे। चप्पा जी चप्पा जी राजपाल जी, पर 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम, 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम। 25 मई को जाइए, अपने परिवारों के साथ जाइए, अपने पड़ोसियों के साथ जाइए। अपनी बात रखी, आपका हृदय से आभार धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी वे आए और जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी साउथ दिल्ली के प्रत्याशी पूरी की नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गैर मानसूरी स्वराज जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अरविंद सिंह नवली जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अडवाणी जी थे। वहाँ पर चित्र लगा जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, ये उनको अभी तक कमजोर करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में कहा है, जातियों की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि देश में वर्तमान में चार जातियां हैं और चार जातियों में उन्होंने कहा है दिल्ली की जनता बाहर खड़ी है। एक बार फिर से आपके बीच में लोकतंत्र का पर्व आया है और आज पूरा देश कह रहा है कि 4 तारीख के दिन एक बार फिर से भारत में 4 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी। जी सर, क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आए? जिस प्रकार से आज उत्साह दिखा, ऐसा तो लग रहा है कि 400 तो मोदी जी कह रहे हैं, ये तो 500 तक पहुंच जाएगी सीटें। मोदी जी को देखते ही उत्साह बनता है, क्योंकि वो देश प्रथम की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। मोदी जी ने आज जिस प्रकार से बोला कि इन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेजूंगा और ये मोदी की गारंटी है, इस बात से पूरा देश दोबारा जाग गया। दिल्ली की 7 सीटें भाजपा के पास होंगी और पुनः देश में मोदी जी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। कृष्ण जी, आप क्या कहेंगे? आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो द्वारका में जो ये जनसभा को संबोधित किया, आज द्वारका में ये जनसभा से डिक्लेयर कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आने वाले 25 मई को द्वारका के निवासियों ने, आसपास की कॉलोनियों ने संकल्प आज लिया है कि 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कमल जी सहराव जी को अपने यहाँ से और पूरी दिल्ली से 7 सीटों को जिताकर हम प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में पूरा सहयोग करेंगे, ये जनता यहाँ से संकल्प लेके जा रही है। मेरा नाम सोनू है, मैं नंगली विहार द्वारका से आया हूँ। क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री जी द्वारका पहुँचे? प्रधानमंत्री जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भीड़ ही भीड़ आ रही है, तो मोदी मोदी हो रही है, तो अब की बार मोदी सरकार। और मैं और भी जितने भी हैं उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत को मोदी जी को जिताएं और तीसरी बार मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और मोदी जी को जिताया जाए। अब की बार 400 पार को हमने पूरा करना है, दिल्ली की 7 सीटों को देंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे, मोदी जी को जिताएं, अब की बार 400 पार।